गुलबर्गा में आरएसएस का 3 दिन का बैठक हुआ है, वो नियरेस्ट स्टेट का भी मेन कैडर्स के लिए इधर उन्होंने बैठक करे है, और राष्ट्रीय आरएसएस का सरसंघ संचालक मोहन भागवत इधर आकर 3 दिन का बैठक करके गए हैं। जाते समय उन्होंने एक प्रेस मीट करे है, और प्रेस मीट आने वाले पेपर वालों को उनका जो यूनिफॉर्म है, गणवेशधारी उनका यूनिफॉर्म है, वो डाल के ही आना, ऐसा उन्होंने कंडीशन करे है। तो सीपीएम पार्टी ये डेवलपमेंट को हमने कड़ी निंदा करते हैं, और ये फैसिस्ट जो एटीट्यूड है इसका हम कड़ी विरोध करते हैं, और ये जर्नलिज्म का जो एथिक्स रहता है उसका नाश करने का भी एक षड्यंत्र इसमें है। और दूसरा बात यह है कि उन्होंने बात करते समय करीब देश का आबादी 135 करोड़ आबादी है, इसमें 1 करोड़ तक हिंदू लोग हैं, और हम ये हिंदू लोगों का डेवलपमेंट करना है, हिंदुत्व का डेवलपमेंट ही इस देश का भद्रता है। तो इसका अर्थ क्या है, उन्होंने 35 करोड़ लोगों को 100 करोड़ लोगों से अलग कर रहे हैं, और इस देश का आबादी पूरे लोग हर जात का है, हर धर्म का है, बरसों से लोग यहाँ मिलजुल के रहे सो है, कोई भी ताकत इनको अलग नहीं कर सकते। मगर ये आरएसएस का शुरुआत से, जब से उनका संगठन शुरू हुआ इस देश में, उससे पहले से भी यही आइडियोलॉजी वाले एक काम करते आए हैं, और 1925 से अधिकृत संगठन के रूप से आरएसएस एक काम करते आए हैं। क्या करें उन्होंने, अगर इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने इज्जत करते तो उन्होंने 1 करोड़ और 35 करोड़ अलग नहीं कर सकते थे। 35 करोड़ में कौन है मोहन भागवत जी, इस देश का लोग है, वो लोग इस देश के देशवासी है, ये देश सभी लोगों का है, 1 करोड़ ये 135 करोड़ लोगों का देश है, ये आपको कौन परमिशन दिए है कि 1 करोड़ अलग करना और 35 करोड़ अलग करना, कौन है 35 करोड़ में, आप यही बोलते हैं ना, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कौन है वो हमारे ही लोग हैं, हम कौन है, उनके लोग हैं, मगर आपका मनुस्मृति जो पुरोहित शाही का मनुस्मृति है, जो वैदिक शाही का मनुस्मृति है, वो लागू करने के लिए, ये संविधान को ख़त्म करने के लिए, मनुस्मृति लाने के लिए आप यहाँ आकर 1 करोड़ लोग और 35 करोड़ लोगों को अलग करते हैं, कि वहाँ उत्तर प्रदेश में आपके जो पॉलिटिकल विंग है बीजेपी, आरएसएस का पॉलिटिकल विंग बीजेपी, वहाँ उत्तर प्रदेश में कहते हैं 80 और 20, ऐसा उन्हें डिवाइड करते हैं, आप डिवाइडर है, इस देश का डिवाइडर है आप कभी इस देश को कि एकता रूप से नहीं देख सकते। हम सीपीआईएम पार्टी इसका हम कड़ी विरोध करते हैं। अगर आप इस देश को प्यार करते हैं, आप सच्चे देश प्रेमी हैं, कि आप यहाँ ये बोल सकते थे कि हमारे गुलबर्गा शरण सूफी संतों का ये धरती है, इस धरती में दोस्तराहुद्दीन संस्कृति है, जैसा भारत में बहुसांस्कृतिक परंपरा है, भारत में जैसा सौहार्द परंपरा है, हमारे संविधान में जो सेकुलरिज्म है वो हमारे इस धरती का मिट्टी का अंदर है, तो आप अगर सच्चे देश प्रेमी रहते तो आप बोल सकते थे, देखो गुलबर्गा, आप गुलबर्गा सेंटर करके हैदराबाद कर्नाटका, मतलब कल्याण कर्नाटका कवर करना चाहते, ऑर्गेनाइजेशन आप विस्तरण करना चाहते, आपका ऑर्गेनाइजेशन विस्तरण का मतलब है इस देश में कम्युनलिज्म बढ़ाना, और कर्नाटक से आप पूरा दक्षिण भारत कवर करना चाहते, कि इसका मतलब आपका कम्युनल एजेंडा पूरा दक्षिण भारत का स्टेटों में आप फैलाना चाहते, क्या फैलाना चाहते आप तो आपका कम्युनल एजेंडा फैलाना चाह रहे, इसीलिए आप 100 करोड़ अलग करें और 35 करोड़ अलग करें। आप अगर सच्चे इस देश का प्रेमी रहते तो आप ये बोल सकते थे कि कल्याण कर्नाटक में, इस गुलबर्गे में, इस राज्यों में इतना गरीबी है, बेरोजगार है, लोग भूखे से मर रहे हैं, कोविड से तबाह हो गए हैं, इतना समस्या आया है कि जिस समस्या से लोग तंग आए हैं, कि वो लोग आपके 100 करोड़ में भी आते हैं, इधर भी है वो लोग, मगर आप कभी इसके बारे में जिक्र नहीं करें।
अगर आप सच्चे इस देश को प्यार करते हैं, इस देश का प्रेमी है, तो आप जो आपके वो अलग अलग उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार में और उड़पी में की हत्या करने के लिए ओपन ऐलान करें, हत्या करने का कि ऐसा कम्युनल लोग, ऐसा कम्युनिटी लोगों को हत्या करो, इतना आयुध लेके जाओ, बस 100 लोग, लाखों लोगों को मार के आओ, ऐसा उन्होंने ओपनली बोले। आप कभी इसका कंडम करे है मोहन भागवत जी? अगर आप कंडम नहीं करते, इसलिए कंडम नहीं करें कि आप 100 करोड़ अलग करना चाहते, 35 करोड़ अलग करना चाहते, आप इसके फेवर में है, जो हत्या का ओपन ऐलान करे है उनके फेवर में है, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में नहीं है। हमें मालूम है आरएसएस उनका एक ऑर्गेनाइजर पेपर है, उस पेपर में जब कॉन्स्टिट्यूशन इस देश अपनाने का समय था, उस समय उन्होंने बोले थे, इनके इन जैसा सरसंघ संचालक है, इनका जो हेड है, जो संस्थापक है थे, कि उन्होंने बोले हम इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते हैं। क्यों? इसमें मनुस्मृति का कोई भी जिक्र नहीं है। मनुस्मृति इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मनुस्मृति वैदिकों का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान इस देश का सभी लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है। मगर आपका ही एक पॉलिटिकल पार्टी उधर केंद्र में सरकार कर रही है, स्टेट में भी सरकार कर रही है, इसका उपयोग कर लेके आप लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन निकाल कर मनुस्मृति लाना चाहते हैं। इसीलिए वही बात और वही बैठक गुलबर्गा में करके, गुलबर्गा में आप प्रेस मीट करके कि 100 करोड़ और 35 करोड़ अलग करके गई है, और हम CPM पार्टी इसका कड़ी विरोध करते हैं। हमें इस पे विश्वास रखते हैं, हमारे देश का बहुसांस्कृतिक परंपरा है, मिलजुल के रहने का परंपरा है, वो इस मिट्टी का परंपरा है, हम इस मिट्टी से प्यार करते हैं, हम इस मिट्टी में, हम जितने भी सभी लोग हैं, 135 करोड़ लोग, सभी लोगों को हम प्यार करते हैं। इसीलिए हम लोगों को विनंती करते हैं, ये RSS वालों का, मोहन भागवत वालों का बात में लोग नहीं आना। क्यों? हम सूफी संतों का धरती के लोग हैं, शरण सूफी संतों का धरती के लोग हैं, इनके बात में आकर यहाँ अशांति होता है और ये लोग हिंसा को आह्वान करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। हम शांति चाहते, सौहार्दता चाहते हैं, हम मिलकर रहना चाहते, हमारा दोस्तरा होदन संस्कृति, हम इसका रक्षा करते हैं। इसलिए January 26 को हमने जनगण राज्योत्सव करते हैं, और उस दिन हमने संविधान का जो प्रियाम्बल है उसका हम वचन लेते हैं, और इस देश संविधान को रक्षणा करने के लिए हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं, एक बात। और दूसरा ये है कि 17 तारीख को हमने जो मतांतर निषेध कायदा है उसका विरोध करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैडम ये बताइए, करना चाहते हैं कि एक दूसरे कम्युनिटी लोगों को मार के आने के लिए कौन ऐलान करे है? इनके ही धार्मिक रूप का लोग करे है ना? अगर इनके वो नहीं है तो इन्हें विरोध कर सकते थे? उन्हें विरोध करे क्या? नहीं करे। इनके प्रधानमंत्री जी विरोध करे क्या? नहीं करे। हमारे मुख्यमंत्री बोमाई जी है, उन्हें विरोध करे क्या? नहीं करे। गवर्नमेंट खुद इसका विरोध नहीं कर रहे है, और इनको खतरा किससे है? किससे है खतरा? माइनॉरिटी से कभी खतरा होता है इस दुनिया में? कहीं तो माइनॉरिटी लोगों से कभी खतरा होता क्या है उनके हाथ में? कहीं तो एक झलक है क्या? कुछ भी नहीं है। ये लोग झूठे और भ्रमात्मक इश्यू लोगों के दिमाग में डालना चाहते, दूसरे लोगों को एक कम्युनिटी के सामने रख कर उनका फ़ायदा लेना चाहते हैं। उनका सिर्फ पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं है, उन इकोनॉमिक फ़ायदा भी लेना चाहते हैं। जैसा पिछले 7-8 साल से इनका जो पॉलिटिकल विंग है BJP, उन्होंने इस देश का संपत्ति पूरा बेच रहे हैं। जो संपत्ति जमा कर रहे थे पहला, ये संपत्ति पूरा बेच रहे हैं। ये बेचते समय लोग उधर नहीं देखना, लोग हमेशा इधर झगड़ना झगड़ना बोले तो क्या करना? हिंदू को खतरा है। हिंदू कौन है? दलित हिंदू नहीं है? अल्पसंख्यक जो दूसरे लोग, इनका जो 100 करोड़ में, वो हिंदू नहीं है कि उन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे कौन कर रहे हैं? उनके लोग इतना पूरा भूखे से मर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? बेरोजगार कौन कर रहे? आपका ही गवर्नमेंट है। तो खतरे किससे है? खतरे तो आपके सत्ते से है, खतरे तो आपसे है, पूरे दुनिया को खतरे है, सिर्फ हिंदुओं को नहीं है। इनसे सिर्फ हिंदुओं को खतरा नहीं है, पूरा दुनिया को खतरा है। ऐसा झूठे फैलाकर उनका
वो जो मनुस्मृति कानून है वो हमारे देश के सर के ऊपर थोपना चाहते, उसी समय इस देश का संपत्ति लूट कर कॉरपोरेट को देना चाहते, इसीलिए वो लोग इसका बीच में ये सब कर रहे हैं। आपको मालूम है इधर गुलबर्गा में मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, सौ सौ एग्जांपल है। इधर रानेशपीर दरगाह जाओ, वहाँ कौन है? वहाँ सूफी संत दोनों है ना। यहाँ इधर कुशनूर जाओ, वहाँ सिद्धयप्पा है और उधर उनका ही एक सूफी का मजर है। कौन है वो? यहाँ सूफी संतों का परंपरा है। इधर ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज है, बहुत बड़ा सूफी हमारे इसमें आए थे गेसुदराज, और उनके उर्स के समय शरणबसप्पा अप्पा मंदिर से नैवेद्य आता है। शरणबसप्पा अप्पा का यात्रा होता है कि वहाँ से उधर तेल जाता है। ये हमारे बीच का एक बहुत बड़ा दोस्तरा हो दिन का परंपरा है। खतरा किसको है? जो लूटमार करने वाले हैं उनको खतरा है, लोग उधर नहीं देखना। इसीलिए वो लोग हमको बोल रहे हैं हिंदुओं को खतरा है। ये सब लोग हिंदू हैं ना, उनके लिए क्या भलाई करे है? 78% गुलबर्गा में अपौष्टिकता है, मॉल न्यूट्रिशन है बच्चों का, इसके बारे में उसमें हिंदू नहीं है क्या? उसके बारे में क्यों बात नहीं करें? यहाँ बेरोजगार लोग सारे दिन आकर रोड के ऊपर ठहरते हैं, किसी को काम नहीं है, वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदू के लिए क्या करें? अगर खतरा है तो आप लोग खतरा कहाँ है ये ढूंढो। खतरा तो है बेरोजगार में, खतरा है भूखमरी में, खतरा है माल न्यूट्रिशन में, खतरा है हमले में। हमले कौन कर रहे हैं? आपके उत्तर प्रदेश में इतना हमारे दलित महिलाओं के ऊपर अत्याचार करे ना, जो आवाज उठाए उनको मारे ना, जीभ कौन काटे हैं, ये सब हमारे सामने है। आप इतना बड़ा झूठा झूठ बोलकर हमारे देश को गुमनाम नहीं कर सकते। इस देश में मिलजुल रहने के लिए हम भूखे भी हैं, मगर मिलजुल के हैं। मगर आप हमारे थोड़ा भी खाना हमारे हाथ में है वो लेकर हमको झगड़ना चाहते हैं। हम नहीं झगड़ते मोहन भागवत जी। अगर आपको बात करना है तो आप 135 करोड़ लोगों का भलाई का बात करो। भलाई का मतलब होता है कि रोजगार देना, भलाई का मतलब होता है सब लोग मिलकर रहना और अपौष्टिकता निवारण करना, सबके हाथ में काम देना, सब लोग पेट भर खाना, अच्छा खुशी से रहना। और भलाई का मतलब ये होता है देश का संपत्ति नहीं बेचना। आप बोलो आपकी गवर्नमेंट को संपत्ति मत बेचो, सब लोग बेच डाले हैं, सब पूरा बेच डाले हैं। इसीलिए खतरा गवर्नमेंट से है, खतरा मोहन भागवत जी का ये जो बात कर रहे हैं ना डिवाइड एंड रूल का, इसका खतरा है और किसी दूसरा खतरा नहीं है।